डॉक्टर साहब आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया। और सर आप लोग इतनी बहुत तादाद के अंदर के हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो क्या मांगे हैं आपकी? एक तो तात्कालिक मांग है, वो आप सब जानते हैं, उच्च शिक्षा में जिस तरीके से प्रतिनिधित्व के पूरे सवाल को, आरक्षण के पूरे मसले को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है रोस्टर के द्वारा, 13 पॉइंट रोस्टर लाकर उसको विड्रॉ करे सरकार, और जो 200 पॉइंट जो रोस्टर है उसके हिसाब से शॉर्टफॉल और बैकलॉग कैलकुलेट करके और उस तरीके से SC ST OBC जिसके जितने बनते हैं उसको लागू करें। एक तो ये तात्कालिक, दूसरा जिस तरीके से सरकार निजीकरण कर रही है उच्च शिक्षण संस्थानों का ऑटोनॉमी के नाम पर, वो एक तरह से वंचित जमात के हितों पर कुठाराघात है, और जिनके पास पैसे होंगे वो पढ़ेंगे, जिनके पास पैसे नहीं होंगे नहीं पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो विक्टिम होगा वो SC ST OBC कैटेगरीज और तमाम गरीब मजदूर वर्ग के जो बच्चे हैं वो वंचित होंगे। तो सरकार शिक्षा देना जो सरकार का दायित्व है, अब उस दायित्व से सरकार पीछे भाग रही है और ये जो है शिक्षा को व्यवसाय में कन्वर्ट करना चाह रही है, उसका व्यवसायीकरण करना चाह रही है कि जिससे कि उसका बुरा प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ी पे और इवन हमारे बच्चे को भी 5 लाख रुपए अगर साल का फीस देना पड़े तो मैं नहीं पढ़ा सकता, ये समझना पड़ेगा। तो जब एक प्रोफेसर का बेटा नहीं पढ़ सकता है, आने वाली जो व्यवस्था हो रही है, तो आम आदमी की तो बात ही छोड़ दी। तो सरकार शिक्षा को लेकर किसको पढ़ाना चाह रही है, कौन से ऐसे क्लास को कैटर करना चाह रही है, ये आप सबके सामने है। भाई जिनको ज़्यादा पैसा है वो तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका में जाके पढ़ ही रहे हैं ना, तो आप अगर उनके लिए भी कॉलेज खोलना चाह रहे हो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज इनवाइट कर रहे हो, तो आप उन्हें अलग करो। जो दिल्ली विश्वविद्यालय JNU और जो सरकारी संस्थाएँ जो चल रही हैं उसका आप कट, उसको क्यों मारने पे तुले हुए, पैरेलल चलना चाहिए। तो ये समझना पड़ेगा कि जब तक, देखिए जब हमारे पढ़ने की बारी आई तब आपने स्लेट छीन लिया, प्लेट पकड़ा दिए, पहले हमारे बूथ लूट लेते थे जी। जब वोट देने की चेतना आई तो आपने EVM से खेल शुरू कर दिया जी। और पिछले ये अभी जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, ये तो कह ही रही है भाई कि गले में माला विचारों पर ताला, कि किताब तुम्हारा पन्ना हमारा, कि किताब जो है आप दलित पिछड़े आदिवासी लोग बाबा साहब का ये संविधान छाती पे लगाए घूम रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का संविधान, अभी इनको पता ही नहीं चल रहा है कि संविधान के अंदर से सारे पन्ने धीरे धीरे ये फाड़ रहे हैं। सर अब कुछ दिन बाद 1 तारीख से लेकर पूरी 30 अप्रैल तक या पूरे साल जो लोग कभी घर से नहीं निकलते वो पार्लियामेंट पे कहेंगे हाय बाबा साहब ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आज एट्रोसिटी का जो एक्ट आया उसमें भी उन्होंने सही कर रहे हैं। देखिए लोग जो सर, जैसे आप क्या सामान खरीदेंगे, क्या प्रोडक्ट खरीदेंगे आप डिसाइड नहीं करते ना, TV का एड डिसाइड करता है जी। इसी तरह मानव समाज किस तरह से व्यवहार करेगा ये वो व्यक्ति नहीं डिसाइड करता है, जो आबो हवा, जो सांस्कृतिक, जो वैचारिक वर्चस्व जो केंद्र हैं, जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, जो माहौल बनता है उससे डिसाइड होता है जी। तो ये जो व्यवस्था है बेसिकली ये तो कहती है कि डॉक्टर अम्बेडकर को पूजो और पढ़ो नहीं, मंदिर में बिठा दो। हाँ पूजो पढ़ो नहीं, हमारे साथी भी एक दिन निकलते हैं जय भीम का नारा लगा लेते हैं। तो ये तो लंबी साजिश है इनकी कि इनको जो है अम्बेडकर साहब को भगवान बना दो, मंदिर में बैठा दो, विष्णु का 11वां अवतार बना दो, जैसे आपने अवतार बनाया खेल खत्म हो गया पूरा। तो ये बात समझने की है कि अम्बेडकर को हम दूसरी विचारधारा के हैं, हमने अम्बेडकर को हम पूजेंगे नहीं जी, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ेंगे जी। और व्यवस्था को और इस सरकार को भी, जुमलेबाज सरकार को इस बात से डर है कि अगर अम्बेडकर को अगर पढ़ लिया गया तो जैसे जैसे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से गई बात बाहर तो वैसे वैसे इनके खिलाफ लोग खड़े होंगे। तो ये पढ़ने नहीं देना चाहती है, कहीं ना कहीं इस साजिश के शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं। डॉक्टर साहब 20 तारीख को अभी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया एट्रोसिटी का, कि जो एट्रोसिटी जो पहले लोगों की वो कंप्लेंट लिख दी जाती थी अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खत्म कर दिया। चाल चरित्र जो है
कभी ख़त्म नहीं होता है, किसी का बदलता नहीं है जी। और अभी जो सरकार है, इस सरकार को तो ये लग रहा है कि मनु का राष्ट्र स्थापित कर लेंगे जी, मनु का संविधान लागू कर देंगे। तो आपने एक तरफ कई तरह से मारे जा रहे हैं, देखिए खेल देखिए, पूरा अलग अलग चीज़ नहीं है। निजीकरण के द्वारा आरक्षण आप ख़त्म कर रहे हैं जी, सहारनपुर उड़ना में डंडे मार रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप SC ST एट्रोसिटीज एक्ट को जो है एक तरह से इनसिग्निफिकेंट बना रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए कि UN जो असेंबली हॉल है उसमें डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर प्रोग्राम होना था, सरकार ने वहाँ चिट्ठी लिख दिया कि ये प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। तो आदमी का चाल चरित्र स्वभाव जो है वो बदलता नहीं है। वोट के लिए भले ही बाबा साहब को लेके पूज रहे हो, अभी वैसे लोग भी बाबा साहब को पूजेंगे जो उनके विचारों के, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के कट्टर विरोधी हैं जी। तो ये समझना है कि ये फिर से ये मनु के युग में ले जाने की तैयारी है। और इनको ये व्यवस्था को किन से डर है? इनसे डर नहीं है कि आप क्या मांग रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनको डर विश्वविद्यालयों से है कि विश्वविद्यालयों से लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया है, पढ़ के लिख के। लोग यहाँ 6 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और मुझे डॉक्टर लोहिया का वो कथन याद आ रहा है कि अगर सड़क सुनसान हो जाएगा तो संसद आवारा बन जाएगी। तो मुझे इस बात की खुशी है कि विश्वविद्यालय DU JNU जैसे विश्वविद्यालय, परसों में था वहाँ पे जहाँ पे लाठीचार्ज हुआ और तमाम था, कि विश्वविद्यालय से युवा शोधार्थी छात्र टीचर कर्मचारी इनके पूरे मनु के आतंक का जो शासन स्थापित किए हुए हैं इनके खिलाफ सड़क पे लोग उतर रहे हैं। और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, पिछले बार इनका क्लाइमेक्स था तब पोल्ड वोट के 31% वोट थे, क्लाइमेक्स था। तो उस समय हम लोग तो बिखरे हुए थे सब लोग, अभी आने दीजिए, 19 आने दीजिए, इनका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। जब ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, जो स्वास्थ्य का सवाल है, ये तमाम जो मौलिक जो बातें हैं ये सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं। इसलिए इसको हमारा प्रोटेस्ट भी चलेगा, हम कानून के शरण में भी जाएंगे, लेकिन इसको पॉलिटिकली एड्रेस करना है। इसको इस सरकार, जो भी वर्तमान सरकार है, ये अपने एजेंडे में बहुत ईमानदार है कि दलित मारने हैं, पिछड़े मारने हैं, मुसलमान भगाना है, तमाम सब काम कर रही है, ईमानदारी से कर रही है। तो इनको जो है 19 में जब तक हम संसद से बाहर नहीं करेंगे तब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। जो बाबा साहब के संविधान के तहत जो रिजर्व सीट से जीत कर आते हैं, जब दलितों पर इस तरीके के अत्याचार होते हैं और दलितों पर एट्रोसिटी होती है, और आज दलितों या बहुजन समाज का जो ये अभी आप जो रोस्टर आया है तो वो अभी तक किसी तरीके से बोलने के लिए राजी नहीं है। ऐसा है, कुछ बातें बोलूँगा तो बहुत लोगों को खराब लगेगी, लेकिन बात समझने की है कि एक बार बताइए, शायद इस पे विवाद भी हो, कि बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब जो कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे जी, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में 292 लोग थे, 296 लोग थे, बाबा साहब उसके चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि बाबा साहब ने जो मन में आया वो लिखा, ये बाबा साहब के सपनों का संविधान है जी? मैं इससे इतिहास के छात्र होने के नाते मैं थोड़ा सा असहमति रखता हूँ, इसलिए रखता हूँ कि जिनको ये बात समझ में आनी चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर का 1943 का भाषण है श्रमिक सम्मेलन में, उनको पढ़ना चाहिए। 296 लोग वहाँ बैठे हुए थे, वो कोई पॉपुलर वोट से चुन के नहीं आए थे, राजे थे, महाराजे थे, तमाम जमींदार थे, नवाब थे, वो तो चाहते थे कि भारत जैसे है, तो वोटिंग राइट भी नहीं देना चाहते थे। आखिर बाबा साहब का ही बनाया हुआ सब कुछ रहता, तो बाबा साहब रिजाइन क्यों करते मंत्रालय से, रिजाइन क्यों करते, ये भी सवाल है, ये सवाल है। इसका मतलब ये है, हमारे साथियों को समझना चाहिए कि ये संविधान जो है, बाबा साहब ने उसको बहुत ही संघर्ष करके मौलिक अधिकार दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए, आरक्षण की व्यवस्था की। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद लिखा है कि मैं अगर संविधान सभा में आया तो इस वजह से आया कि कम से कम अपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हितों की रक्षा मैं कर सकूं। तो इतने सारे जो लोग थे, परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग थे उसमें, तो उन लोगों से सामंजस्य बना के उस समय जो बेस्ट अवेलेबल हो सकता था डॉक्टर अंबेडकर ने किया। डॉक्टर अंबेडकर तो चाहते थे, उनके सपनों का भारत ये होता कि यहाँ पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलता। पृथक निर्वाचन क्षेत्र अगर मिल गया रहता, अगर पिछड़ा को पिछड़ा चुनता, दलित को दलित चुनता, तो आप क्या समझ रहे हैं, आपकी अगर ये अभी आप उस शिक्षा पर जो हमला कर रहे हैं, या सहारनपुर में आपके जो डंडे चल रहे हैं, तो आपकी बाह नहीं ना, आपकी सरकार उखाड़ देते ना। हमारे नेता क्यों वहाँ चुप रहते हैं? क्योंकि ये पूना पैक्ट का ये आउटकम है।
कि पूना पैक्ट अगर नहीं हुआ रहता, अभी तो जाते हैं तो सब कुछ सबसे वोट मांगना पड़ता है, तो वहाँ जाते हैं तो जमींदार के यहाँ भी बैठ के चिकन बिरयानी खाते हैं, हमारे लोग तो अभी गरीब हैं चिकन बिरयानी नहीं खिलाते होंगे, तो इनको तो सबसे वोट मांगना है, तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुनकर आते हैं वहाँ के जमींदार सामंत सबके सामने उनको जो है गिरगिराना पड़ता है वोट के लिए और संसाधन के लिए। तो जब सबका वोट लेकर आइएगा तो मुंह पे तो दही जमा के बैठना पड़ेगा ना, मुंह में दही जमा के बैठना पड़ेगा। ये बात आप समझिए कि अगर ये जितने सांसद है कहते हैं मैं बाबा साहब के अनुयायी हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर अपने मौलिक सिद्धांतों से समझौता करना पड़े तो आदमी को राजनीति छोड़ देना चाहिए। वैसे ही डॉक्टर अंबेडकर ने जैसे रिजाइन कर दिया था अपने मंत्रालय से, इसीलिए जो सांसद कहते हैं कि मैं बाबा साहब का मैं समर्थक हूँ और उनकी वजह से हूँ, 4 साल में जितने अत्याचार हुए हैं उनको तो सामूहिक रूप से संसद में इस्तीफा दे के धरना में बैठ जाना चाहिए था। कौन सी ऐसी ताकत है सर, आप लोगों ने या यहाँ की आवाम ने तो उनसे प्रश्न ही नहीं किया ना, क्वेश्चन नहीं किया, जब तक क्वेश्चन नहीं किया तो धरना प्रदर्शन आपको किसने कहा है क्वेश्चन नहीं किया? आप मेरे वीडियोज उठा के देखिए, हमारे जो सैकड़ों एक्टिविस्ट हैं जो सवा, अच्छा उनको नजर नहीं आ रहा है कि देश में क्या चल रहा है, जब यहाँ की खबर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में पहुंच रही है तो उनको किस बात के जनप्रतिनिधि और सांसद हैं उनको पता नहीं लग रहा है कि ऊना में क्या हो रहा है, सहारनपुर में क्या हो रहा है, पटना में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप कहिए ना कि हम अक्षम हैं और जो व्यवस्था है अक्षम लोगों को ही सांसदी विधायक बनाती है, ये कहने में आपको क्या जाता है कि आप बोलेंगे नहीं, सवाल नहीं उठाएंगे और जब समाज में यहाँ पे आएंगे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अगर आपके रहते 130 सांसद के रहते अगर अबाध निजीकरण हो रहा है तो ये शर्म की बात है, इसका मतलब है कि हमारे सांसदों ने हमारे हितों के साथ हेराफेरी कर ली है वहाँ पे। लेकिन सर वो तो कहते हैं कि मेरे को मेरे समाज ने वोट नहीं दिया, अधिकतर लोगों का यही मानना होता है, अगर वोट भी दिया है तो मेरे कहने पे नहीं दिया, और जो वोट दिया वो कौन कहता है और लोगों के तो जाकर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव नहीं लड़े ना, वोट दे चाहे नहीं दे, आप किस नाम पे आप लड़ते हैं चुनाव, आप लड़ते हैं आप रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से ना, तो आप क्यों लड़ते हैं, आप जाके जनरल सीट से चुनाव लड़िए। अगर आप रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते हैं तो मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि आप पे पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता है, क्योंकि आप रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनके आए हैं तो आपका प्राथमिक जिम्मेदारी है कि रिजर्व कैटेगरीज के जो लोग हैं उनके हितों की सुरक्षा करना, ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन आपने राजनीति को सेवा नहीं, आपने धंधा बना लिया है, हम रहेंगे एमपी, हम रहेंगे मिनिस्टर, उसके बाद मेरा भाई होगा, उसके बाद मेरा बेटा होगा, उसके बाद मेरी बीवी होगी, उसके बाद मेरे फूफा होंगे, उसके बाद समधी होंगे, तो सब आप ही कर लीजिएगा, तो आपने धंधा बनाया है राजनीति को। कौन कहता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर नहीं, शेड्यूल कास्ट पर नहीं लागू होगा, और मैं इस पर बहस करने के लिए तैयार हूँ।